भोपाल में बीती रात एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें थाना श्यामलाल हिल्स का स्टाफ कार्यवाहक प्रधान आरक्षक प्रमोद राजपूत 1667 और थाने के दो सिपाही एक पब्लिक से बदतमीजी और गाली गलौज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह घटना सीएम हाउस के पास वाहन चेकिंग के दौरान हुई। रात के समय वाहन चेकिंग के दौरान थाना श्यामलाल हिल्स का स्टाफ पब्लिक से बुरे बर्ताव में लिप्त पाया गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस कर्मी पब्लिक से बदतमीजी और गाली गलौज कर रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिससे पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। यह वीडियो वायरल होते ही लोगों में नाराजगी फैल गई है। सोशल मीडिया पर लोग पुलिस की इस हरकत की कड़ी निंदा कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद से पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं और लोगों की सुरक्षा के प्रति पुलिस की जिम्मेदारी पर भी चर्चा हो रही है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। भोपाल पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह की पुलिस बर्बरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।